नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 100 मोबाइल में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल कैसे किया जाता है। दोस्तों कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल आएगी तो दोस्तों अगर नंबर वो जो रहेगा जिस नंबर से कॉल आएगी उसका अगर नाम लिखा रहेगा यानी नाम से सेव रहेगा तो नाम लेके बुलाएगा कि इस नंबर से कॉल आ रही है यानी कि इस नाम से कॉल आ रही है। अगर दोस्तों अननोन नंबर से कॉल आएगी यानी कि नाम सेव नहीं रहेगा तो दोस्तों नंबर बताएगा कि इस नंबर की कॉल आ रही है। तो दोस्तों कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको अपना डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनाउंस कॉलर आईडी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो नेवर पे टिक है तो आपको करना है ऑलवेज पे टिक कर देना है। बस दोस्तों आपके मोबाइल में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अब दोस्तों आपके मोबाइल पे अगर नंबर सेव से कॉल आएगी तो नाम लेके बुलाएगा, अगर अननोन नंबर से कॉल आएगी तो नंबर बताएगा कि इस नंबर की कॉल आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो वाई 100 मोबाइल में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।